हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल परफ्यूम गुरु पर। रिक्वेस्टेड वीडियो नीश के अतर्स की बात करेंगे, इत्र की बात करेंगे, जो दो बच गए थे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, नीश एक इंडियन ब्रांड है जिसके बहुत बढ़िया परफ्यूम्स आते हैं और एक ट्रेडिशनल इंडियन इत्र सीरीज़ भी उन्होंने निकाला जिसकी हमने काफ़ी सराहना की थी पिछले बार, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल थे और क्वालिटी वाइज काफ़ी डिसेंट थे। वो उसमें चार इत्र इन्होंने मुझे भेजे थे, जिसमें से दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका नाम है अतरे नज़ाकत और ज़ाफराने हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे दो बचे हुए अतर की। पहला है अतरे नीश और दूसरा है अतरे इश्क। नाम से काफ़ी इंटरेस्टिंग, यंग लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आया पहली वाली वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी जस्ट कॉलेज में गए हैं, अच्छे क्वालिटी के अतर ट्राई करना चाहते हैं, लोकल मार्केट से बोर हो चुके हैं। उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था, कुछ अच्छे अतर निकाले हैं नीश वालों ने। और सबसे अच्छी बात है कि अपने ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंसेस से, खुशबुओं से मैच खाते हैं, मेल खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अतर नीश के बारे में बात करते हैं। ये उनकी पैकेजिंग जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को दिखाई थी, बहुत बढ़िया ब्राउन मडी कलर, क्ले कलर, अर्दी कलर, तो ये है, इस तरीके से बॉटल दिखता है इनका, बहुत ही डिसेंट लुकिंग बॉटल। और इसके अंदर एक रोलर बॉल भी आता है, ये अगर आप ऊपर से लगा लें तो एप्लीकेशन बड़ा इजी हो जाता है। ऊपर से ये स्टिकर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है 6 ml और डिटेल्स दी हुई हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले लगा कर देखते हैं, आपको बताते हैं कि इसकी खुशबू कैसी है अतरे नीश की। वाह, दोस्तों एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहता हूँ, ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल इंडियन अतर की तरह स्मेल कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ, अतरे नीश बहुत ही बढ़िया एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको एक टिपिकल इंडियन कन्नौज में जो इत्र बनते हैं दोस्तों, हमारा जो परफ्यूम कैपिटल है पुराना, काफ़ी पुराना और हिस्टोरिक लेगेसी, हमारी हेरिटेज, वहाँ पर ऐसे इत्र काफ़ी बनते हैं। इनफैक्ट अगर आप कश्मीर 192121 इत्र लगा चुके हैं, ML राम नारायण वालों ने वो इत्र बनाया था, उसको हमने रिव्यू किया था, तो आप समझ जाएंगे मैं किस खुशबू की बात कर रहा हूँ। रोज़ चंदन, लेकिन यहाँ पर शमामा ऐड किया गया है इस इत्र को, डेफिनेटली ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये काम किसी कन्नौज के परफ्यूमर ने डेफिनेटली किया होगा। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, जो एक आपको डिसेंट क्वालिटी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कन्नौज के बढ़िया बढ़िया परफ्यूम ब्रांड से, इत्र बनाने वाली डिस्टिलरी से। शमामा का एक सॉफ्ट मस्की नोट है जो जटा मानसी की मस्कीनेस की भी याद दिलाता है, बहुत ही बढ़िया और नेचुरल मस्की टोन जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ दोस्तों, लेदरी और मस्की। और ये कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक फ्रेंडली इत्र नहीं है, ये कोई ऐसा फैंसी इत्र नहीं है जिसको लगाते ही आपको इमीडिएटली जो है लोग अप्रिशिएट करें इसको या फिर कॉम्प्लीमेंट्स दें, ये थोड़ा सा सीरियस टाइप का इत्र है। अगर आप मच्योर एज ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आप इस इत्र को इन्जॉय करेंगे, अगर आप अभी तक इनिशिएट नहीं हुए हैं ऊद्स में या फिर मस्की इत्र में, तो आपको ये इत्र अप्रिशिएट करने में शायद थोड़ी मुश्किल हो, बट ये फ्रेग्रेंस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी खुशबू निकाली है। थोड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे, क्योंकि इस तरीके का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिस इज़ नॉट रियली अ सेफ मूव फॉर अ ब्रांड लाइक दिस, स्पेशली अ स्टार्टअप ब्रांड, बट रियली हैट्स ऑफ टू नीश कि भैया इन्होंने ऐसा अटेम्प्ट डाला एक अपने इंडियन प्रोडक्ट को, जो एक थोड़ा सा अनसेफ सा प्रोडक्ट है, उसको सबके सामने लेकर आया। बहुत ही मच्योर चॉइस यहाँ पर। इस फ्रेग्रेंस की लास्टिंग दोस्तों 6 से 8 घंटे होती है, बहुत ही सॉफ्ट फ्रेग्रेंस होता है ये, बिल्कुल भी लाउड नहीं होता, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप कितना ज़्यादा इस फ्रेग्रेंस को अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कह सकते हैं कि एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस में वो जो मस्की एलिमेंट ऐड कर दिया गया है शमामा का, तो वो दोस्तों इस फ्रेग्रेंस को डेफिनेटली थोड़ा मैस्कुलिन बनाता है, लेकिन खुशबू अच्छी है। अगर आप इसे टेस्ट करते हैं, आपको पसंद आता है अगर ये फ्रेग्रेंस, आप डेफिनेटली लगाएं इररेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, क्योंकि जेंडर वाली बातें इत्र में नहीं होती। चलिए दोस्तों दूसरे इत्र की बात करते हैं। पहला वाला इत्र काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, अतरे इश्क। अतरे इश्क, एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो अतरे नीश हमने ट्राई किया वो आप डेफिनेटली कोल्डर वेदर्स में ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलेगा, यानी कि ज़्यादा दूर तक खुशबू फैलेगी। इसका भी प्रेजेंटेशन सेम है दोस्तों, अतरे इश्क। चलिए इसको हम अप्लाई कर आपको बताते हैं कि इसका फ्रेग्रेंस कैसा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ लाइट हैंड में इन्होंने बनाया होगा, अतरे इश्क नाम है, तो मे बी कुछ ऐसा जो यंग लोगों को भी
शायद भाई अच्छा लगे, बट जो पहला वाला फ्रेगरेंस था वो काफ़ी इम्प्रेसिव था और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कुछ मज़ेदार बात होनी चाहिए। तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था दोस्तों, ये एक फ्रूटी फ्रेगरेंस है, काफ़ी फ्रूटी है और ये बिल्कुल भी पहले वाले फ्रेगरेंस जैसा नहीं है, एकदम बैंग ऑन उसके ऑपोजिट है। जैसे वो फ्रेगरेंस एक ट्रेडिशनल, जैसा मैंने आपको बताया, चंदन और मस्क और ये सारी चीज़ों से बना हुआ एक फ्रेगरेंस है, शमामा की उसमें खुशबू आ रही है, वो एक ट्रेडिशनल इंडियन इत्र की आपको याद दिलाता है। दिस इज़ कम्प्लीटली फैंसी, ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल नहीं है, ये एक मॉडर्न अतर है। जैसा मैं बात कर रहा था, मॉडर्न इत्र जो मिलते हैं फैंसी 60 रुपये 80 रुपये के रेंज से लेकर, यू नो इट्स लाइक अ डिज़ाइनर परफ्यूम। जैसे डिज़ाइनर परफ्यूम जो आजकल बन रहे हैं वो यंग लोगों की तरफ ज़्यादा सेंटर्ड है, मॉडर्न है। इसकी भी खुशबू फ्रूटी है, थोड़ा सा इसमें कैंडी जैसा बबल गम टाइप का वाइब आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 मिलियन परफ्यूम पाको रबान का मुझे इत्र फॉर्म में किसी ने मिला के दे दिया, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग क्वालिटी बाकी अतर के हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे फीकी पड़ गई। ऑफकोर्स क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही बेसिक क्वालिटी है इस फ्रेगरेंस की, पर इट्स नॉट बैड। थोड़ा बहुत अब चॉकलेट और वनीला का भी जो है यहाँ पर जो है एक फ्रेगरेंस निकल रहा है, अकॉर्ड निकल रहा है। डेफिनेटली मोर फेमिनिन, तो ये लड़कियाँ ज़्यादा पसंद करेंगी जहाँ तक जेंडर की बात है। अगर आप 1 मिलियन टाइप के फ्रेगरेंसेस आराम से लगा सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। पार्टी फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं, क्लबिंग फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं 1 मिलियन टाइप के, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अदरवाइज डेफिनेटली ये यंग फीमेल्स के लिए ये बेस्ट रहेगा फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस ख़राब नहीं है, बट नीश के बाकी जो इत्र थे उसके हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मे बी क्योंकि पहले वाले फ्रेगरेंस ने मुझे सरप्राइज़ किया, ये एक रीज़न हो सकता है, बट इसके चॉकलेटी न्यूआंसेस भी हैं। तो एक बहुत ही सिंपल फ्रेगरेंस होते हुए थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दी गई, यानी कि नोट्स थोड़े थोड़े देर पर आपकी स्किन पर बदलेंगे, जो प्रॉबेबली इसका अकेला सेविंग ग्रेस है, जिसकी वजह से शायद इसे लोग एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों फ्रेगरेंस लॉन्जेविटी की अगर इस फ्रेगरेंस की बात करें, तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा जाएगा। इस तरीके के जो स्वीट फ्रेगरेंसेज होते हैं वो बहुत देर तक लास्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से 8 से 12 घंटे ईजिली। प्रोजेक्शन डेफिनेटली पहले वाले फ्रेगरेंस से ज़्यादा है, इसका ऑलमोस्ट डबल है, तो ज़्यादा दूर तक इसकी खुशबू जाएगी, ज़्यादा लोग इसे अप्रिशिएट कर सकेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पर डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेंगे। पब्लिक फ्रेंडली भी है और एक परफ्यूम की तरह ज़्यादा स्मेल करता है रादर दैन अर्ट ट्रेडिशनल टिपिकल अतर। तो दोस्तों ये था रिव्यू आज के नीश के ब्रांड के इन दो अतर का, और ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हुई। लिंक्स मैं हमेशा की तरह नीचे मेंशन कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखते हुए जाएं, वहीं पर आप ये अतर ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आई होप आज का रिव्यू मज़ेदार रहा हो, और भी कुछ रिक्वेस्ट हो तो नीचे मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और हमेशा की तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल से जिसका नाम है परफ्यूम गुरु।